आज का विषय है भाषा तथा भाषा के रूप। भाषा का अर्थ है बोलना। बोलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। बोलने से ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात समझ सकते हैं। अगर हम बोल नहीं पाते, हमारे पास भाषा नहीं होती तो हमारा क्या होता। देखिए इस चित्र में बच्चा मेंढक की टर्टर को समझने की कोशिश कर रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है। नेक्स्ट में देखिए बच्चे एक दूसरे से कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। बिना भाषा के बिना हमारे जीवन का कोई मतलब ना रहता। इसी प्रकार भाषा की सहायता से ही हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं। जैसे देखिए एक बच्चा, चित्र में देखिए एक बच्चा बोल रहा है और बाकी बच्चे उसको सुनकर समझ रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक रूप यानी मुख से निकला हुआ। हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट में देखिए इस चित्र में अध्यापिका लिख रही है और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। लिखित रूप यानी लिखा हुआ। हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के कुछ और उदाहरण देखिए। जैसे इस चित्र में माँ बोलकर बेटे को कमरा साफ करने के लिए समझा रही है और बेटा सुनकर कमरा साफ कर रहा है। और दूसरे चित्र में अध्यापिका लिखकर बच्चों को समझा रही है और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। मन की बात दूसरों तक पहुँचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन ही भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं। मौखिक भाषा जो हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जब हम पत्र द्वारा किसी भी लिखित रूप द्वारा अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और उसका पढ़कर उसका समझते हैं, वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इसके अलावा एक भाषा और है सांकेतिक भाषा, जिसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। आइए इस चित्र में देखिए बच्ची अपनी माँ से गुड़िया देने के लिए इशारा कर रही है। इसे भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। आओ बच्चों हम इस विषय का भाषा विषय का और अभ्यास करें। जैसे लिखित रूप का एक उदाहरण होगा अध्यापिका लिख रही है मैं कक्षा कार्य कर रहा हूँ। और इसी तरह मौखिक रूप मम्मी फ़ोन पर बात कर रही है और बच्चा बोल रहा है। ये है भाषा का मौखिक रूप। अब हमें जैसे देखना है चित्र के अनुसार बोलियों का मिलान कीजिए। अब बकरी जो है बकरी क्या करती है मैं और कौवा क्या करता है काऊ काऊ और घोड़ा क्या करता है हिन हिनाना, कुत्ता क्या करता है भों भों, मेंढक टर टर और तोता क्या करता है टर टर और हिरन क्या करता है मैं। इसी बकरी क्या करती है मैं। एक बार हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे। बकरी क्या करती है मैं और घोड़ा क्या करता है हिन हिनाना, कुत्ता भों भों, कौवा कौं कौं और मेंढक यह। आइए देखिए हम अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं बोलकर, और दूसरे हमारी बात समझते हैं कैसे सुनकर। भाषा के कितने रूप होते हैं दो रूप होते हैं। ओके स्टूडेंट ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। आप इसका प्रयास अभ्यास कीजिए बहुत।